नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल लेडर में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अनुपात एवं समानुपात भाग दो। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में, ठीक है, दूध और पानी की जो मिश्रण है वो कितना है, 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 5:2 मतलब अगर 5 लीटर दूध होगा तो पानी कितना होगा, 2 लीटर। अगर 10 लीटर दूध होगा तो पानी कितना होगा, 4 लीटर। तो दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो चलो, टोटल विलयन है, ठीक है, तो विलयन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2। तो उस कंडीशन में अगर यहां पे अपन लोग देखते हैं दूध अनुपात पानी, तो दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:2। इसका मतलब है अगर 5 लीटर दूध होगा तो 2 लीटर क्या होगा, पानी होगा। तो उस कंडीशन में अगर यहां पे हम लोग दूध की मात्रा निकाले, दूध की मात्रा विलयन में, तो विलयन में दूध की मात्रा देखेंगे टोटल पानी और दूध मिलाकर के कितना हो रहा है, 7। उसमें पानी कितना भाग है, 5, टोटल भाग है 7। 7 भाग में पानी का भाग कितना है, 5, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे दूध और पानी को। तो 5 भाग दूध है कितने में, टोटल 7 भाग में, क्योंकि 2 भाग में क्या है, पानी। तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 5/7। वही अगर पानी, ठीक है, पानी की मात्रा अगर देखेंगे तो पानी की मात्रा 7 भाग में 2 भाग क्या है, पानी है। तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 2/7। 2/7 यह हो गया पानी की मात्रा, ठीक है। तो ये रेशियो दिया है। अब वो बोल क्या रहा है कि अपने को करना क्या है, टोटल कितना है, 42 लीटर मिश्रण है ना, 42 लीटर मिश्रण है, 42 लीटर में दूध की मात्रा कितना है, 5/7। विलियन में अपन लोग निकाल लेते हैं दूध की मात्रा, ठीक है। तो दूध की मात्रा निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, 42 लीटर क्या है टोटल विलियन, इसमें दूध की मात्रा निकालेंगे तो 42 × 5/ कितना हो जाएगा, 7, ठीक। तो ये दूध की मात्रा निकलेगी, दूध की मात्रा बराबर, ठीक है, यहां पे दूध की रेशियो, दूध की मात्रा 42 × 5/7। तो 7 × 7, 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42, और 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30। तो 30 लीटर, 30 लीटर क्या है, दूध। तो टोटल विलयन है 42 लीटर, 42 लीटर में 30 लीटर दूध है, तो उस कंडीशन में पानी कितना होगा, पानी कितना होगा, तो पानी बराबर हो जाएगा 42 − 30। तो 42 में 30 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 लीटर। तो 30 लीटर क्या है, दूध है, और 12 लीटर क्या है, पानी है। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि पानी 3 लीटर और मिला देंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे वर्तमान दूध और पानी का रेशियो देखेंगे, तो दूध अनुपात पानी, दूध और पानी का रेशियो देखेंगे तो अभी कितना है, 30 लीटर दूध है और 12 लीटर क्या है, पानी। लेकिन बोल रहा है कि अगर पानी कितना और मिला ले, 3 लीटर, 3 लीटर पानी और मिला दे, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो पानी अभी 12 लीटर था, 3 लीटर मिलाने के बाद 12 + 3 तो क्या हो जाएगा, 30/12 × 3 = 15। तो 2/1, 15 × 15, 15 × 2 = 30। तो उस कंडीशन में दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। तो इसका मतलब है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि ये 20 से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, ए जो है 20 से 40% अधिक है और बी जो है सी से 20% कम है, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं, माना सी का जो मान है
उसको मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं सी को एक्स मान लेते हैं। तो यहां पे बोल रहा है कि बी जो है वो सी से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। तो 20% कम है तो यदि सी का मान होगा 100 रुपए तो उससे 20% का मतलब बी का मान कितना हो जाएगा, 80 रुपए। इसका मतलब है जो बी होगा और सी का कितना प्रतिशत होगा, 80%। तो यहां पे अगर अपन लोग बी का मान निकालेंगे तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी का 80%। ठीक है, क्योंकि 20% कम है सी से, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी का 80%। तो सी का मान कितना है, एक्स का 80% मतलब 80 बटे कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। तो यहां से b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4x/5। ये मिल गया b का मान। ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट के अनुसार। अब कंडीशन सेकंड के अनुसार चलते हैं। तो सेकंड के अनुसार क्या बोल रहा है, a जो है b से 40% अधिक है। इसका मतलब है कि यदि b का मान 100 रुपए है तो ए का मान उससे 40% अधिक हो जाएगा, मतलब ए का मान 140 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब है ए जो है बी का कितना परसेंट है, 140% है, 40 अधिक है। तो यहाँ पे जब अपन लोग ए का मान निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी का 40%। तो ए इज इक्वल टू बी का मान कितना है, 4x/5। तो 4x/5 का 40%, 140%। ठीक है, b का 140%, तो 140 और बटे कितना हो जाएगा, 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा 7 बार और 2 पंचे 10। 7 का 4 से गुणा होगा, 7 चौक 28। x/5 कितना हो जाएगा, 25। तो ये किसका मान निकल गया, a का। तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया अपने को, 28x/25। तो देखो अपन लोग को यहाँ पे c का मान है x, c का मान मिल गया, b का मान मिल गया और a का मान मिल गया। अब तीनों का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो a अनुपात b अनुपात c, इसका मान निकालेंगे। तो a का मान कितना है, a का मान 28x/25 रेशियो, b का मान कितना है, 4x/5 और रेशियो सी का मान कितना है, एक्स है। अब देखते हैं इसके जो हर की संख्या 25 है, इसका 5 है और इसका कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो सबके हर को एलसीएम कितना आ जाएगा, 25। तो सबको 25 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 28x/25 रेशियो, 5 में कितने गुणा करें, 25 हो जाए, 5 का गुणा करेंगे तो ऊपर में भी कितने गुणा करना पड़ेगा, 5 का। तो 5 चौक 20x/25। एक को 25 बनाना है तो नीचे में कितने गुणा करेंगे, 25 और ऊपर भी में 25। तो रेशियो आ जाएगा 25x/25। तो नीचे से जो कामन रहता है वो काट जाता है, x भी कामन है तो वो भी काट जाएगा। तो उस कंडीशन में a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ जाएगा, 28x/20/25। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से वाला सवाल जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण है 20 लीटर, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो बोल रहा है कि इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 4:1 हो जाए। ठीक है, तो दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें अगर 3 लीटर दूध होगा तो 1 लीटर क्या होगा, पानी। तो 3:1 हो जाएगा। अगर दूध को डबल कर दोगे तो पानी भी क्या हो जाएगा, डबल। तो दूध अगर 6 लीटर हो जाएगा तो पानी कितना हो जाएगा, 2 लीटर। तो यहाँ पे 20 लीटर टोटल विलयन है। अपन लोग देखते हैं दूध अनुपात पानी बराबर कितना दे दिया है, 3:1। अब अपन लोग देखेंगे विलयन में दूध की मात्रा, दूध की मात्रा
दूध की मात्रा देखेंगे तो 3 लीटर पानी है, 3 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी है, मतलब टोटल भाग कितना है, 3 और 1 चार भाग, चार भाग में से 3 भाग क्या है, दूध है। तो दूध की मात्रा देखेंगे, दूध की मात्रा देखेंगे तो 3 भाग दूध है कितने में, टोटल 4 भाग बिलियन में, और बिलियन की मात्रा कितना है 20, तो इसमें कितने गुणा कर देंगे 20, तो 20 का 3/4 भाग ये निकाल लिए थे, किसका मात्रा निकल गया दूध का। तो 4 एकम 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, और 5 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो उस कंडीशन में 15 लीटर ये क्या हो गया, दूध हो गया। जब 15 लीटर दूध है तो टोटल दूध कितना है 20 लीटर मिश्रण है टोटल, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, की मात्रा, पानी की मात्रा निकालेंगे, ठीक है। तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 20 माइनस 15 बराबर 5 लीटर। तो 15 लीटर दूध है तो 5 लीटर क्या है, पानी। वो बोल रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाए, 4:1। तो अपने को तो पता नहीं है कितना पानी कितना दूध और मिला है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना मिश्रण में 1 लीटर दूध और मिलाते हैं, एक्स लीटर दूध और मिलाते हैं, जिससे दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाता है, 1:4। तो उस कंडीशन में अपन लोग देखेंगे दूध और पानी का रेशियो, तो दूध बटे पानी। तो अभी वर्तमान में दूध की मात्रा कितनी है, 15, पानी की मात्रा कितनी है 5। अब दूध कितना मिला रहे हैं, 1 लीटर और मिला रहे हैं, 15 प्लस कितना हो जाएगा 1, और भाई कितना हो जाएगा 5। तो जब 1 लीटर इसमें पानी ये दूध और मिला लेते हैं तो रेशियो कितना हो जाता है, बोल रहा है 4:1। तो इसका मतलब है 15 प्लस x/5 = कितना हो जाएगा, 4/1। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन करेंगे 5 को उधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहां से 15 प्लस x = 5 कितना हो जाएगा 20, 1 से बराबर 15 उधर पक्षांतर होगा, 20 से जाकर के कैंसिल हो जाएगा, तो x = 20 में 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 लीटर। इसका मतलब है कि अगर मिश्रण में 5 लीटर दूध और मिलाएंगे तो दूध और पानी का रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, यदि इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात 2:3 हो जाता है, इसमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:11, तो मान लेते हैं दोनों संख्या कितना है, तो कितना है वो तो पता नहीं है, तो संख्या अपन लोग क्या मान लेते हैं, 7x और 11x है, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:11 है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो माना वह संख्या है 7:11 है, तो संख्या को क्या मानेंगे, 7x, ठीक है, और अनुपात वाले दूसरे संख्या को कितना मान लेंगे, 11x, ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या जो है वो हो जाएगा 7x, और द्वितीय संख्या जो है वो कितना मिल जाएगा अपने को, 11x से संख्या मिल गया। तो प्रश्नानुसार चलेंगे, इस संख्या में प्रत्येक में अगर 7 जोड़ देते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है, 2:3, तो 7x/5 कितना है, 11x। अगर प्रत्येक में 7 जोड़ देंगे, इसमें भी 7 जोड़ देंगे और इसमें भी 7 जोड़ देंगे, तो अपने को अनुपात कितना मिल जाता है, 2:3। ये प्रश्नानुसार अपना है, ठीक है। तो प्रत्येक में 5 जोड़ दिए, 7x+7 और 11x+7, तो कितना मिल गया, 2:3। अब इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो 7x में 3x का गुणा हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा, 21x, और प्लस 3 का 7 से गुणा होगा तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21। 2 में 11 का गुणा होगा तो 11 2 22x, और 2 में 7 का गुणा होगा तो 7 2 कितना हो जाएगा, 14। एक्स वाले को एक तरफ, बिना एक्स वाले को दूसरे तरफ, तो यहाँ पे 21 है, ये बिना एक्स वाला 14 है, 21 में 14 घट जाएगा,
21 में 14 घट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। यहाँ पे 22x है, 21x को उधार पक्ष अंतर कर देंगे और 22 से वो कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा x। इसका मतलब है x इज इक्वल टू कितना मिल गया 7। x इज इक्वल टू 7 मिल गया तो दो संख्या आपने को दिया हुआ 7x और 11x, छोटी संख्या 7x और बड़ी संख्या 11x। तो उस कंडीशन में छोटी संख्या आपने को निकालना है तो छोटी संख्या इज इक्वल टू कितना है 7x, इज इक्वल टू 7, एक्स का मान कितना है 7, तो 7 इंटू 7 मतलब कितना हो जाएगा 49। तो ये 49 जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अगर बड़ी संख्या पूछ देगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या बराबर कितना है 11x, तो 11 इंटू 7 तो 11 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल लेते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।